वेलकम है गाइस। मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि सर आईपी ली है तो उसके बाद नेक्स्ट पीरियड्स कब आएंगे, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो गाइस देखिए, जो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है आईपील, इसके अंदर आपको एक सिंगल टैबलेट मिलती है, राइट। अब ये जो सिंगल टैबलेट है, इसके अंदर जो हार्मोन है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग हार्मोनल पिल होती है और इसके अंदर हार्मोन ही होता है, तो ये जो हार्मोन है ये लेवोनोर्जेस्ट्रोल होता है और इसकी स्ट्रॉन्ग डोज 1.5 mg की होती है। जब आप लोग इस पिल का यूज करते हैं, इस गोली का उपयोग करते हैं, तो फीमेल बॉडी में जो नेचुरल हॉर्मोन्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। इस पिल को कंज्यूम करने के बाद आपको लगभग 3 से 7 दिन के बाद इस पिल के साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, क्रीमी डिस्चार्ज, ब्राउनिश डिस्चार्ज, आपको लोअर एब्डोमेन एरिया में पेन हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस आपको देखने को मिल सकती है, नोजिया वोमिटिंग आपको हो सकता है, और मोस्टली आपको लगभग 1 से 10 दिन के आसपास विड्रॉल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ये आपके पीरियड्स नहीं होते हैं, ये हम लोग फेक पीरियड्स ब्लीडिंग बोलते हैं, मतलब कि ये आपके नकली पीरियड्स होते हैं, जिसे रिबाउंड ब्लीडिंग या ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग भी बोला जाता है। तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि लगभग 70 से 80% केसेस में आपको विड्रॉल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, जो कि इस पिल को लेने के लगभग 1 से 10 दिन के बीच में आपको यूजली देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस पिल को लेने के बाद आपको विड्रॉल ब्लीडिंग हो, ये कंपलसरी नहीं होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हमने ये देखा है कि जिन भी फीमेल्स को अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है ड्यू टू इट्स फेलियर रेट, तो आपको विड्रॉल ब्लीडिंग नहीं होती है, और कुछ केसेस में आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब मान लीजिए कि आपने इस पिल को आपकी पीरियड्स के लगभग 20वें दिन के आसपास लिया था, तो आपको जो विड्रॉल ब्लीडिंग है और जो आपके पीरियड्स हैं वो आपको एक साथ आते हैं, ठीक है। अब जब आपके विड्रॉल ब्लीडिंग ख़त्म हो जाते हैं, तो आपको जो अगला पीरियड है वो लगभग 4 वीक के आसपास आ जाता है, और मैक्सिमम आपको 6 वीक लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको 6 वीक तक, मतलब कि 42 दिन तक अगर पीरियड्स नहीं आते हैं, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको इमिडिएटली अपने नियरेस्ट किसी भी डॉक्टर से एडवाइस लेनी है, क्योंकि हम लोग ऐसी सिचुएशन में आपको पीरियड्स लाने के लिए कुछ मेडिसिन बोलते हैं जिससे आपके पीरियड्स आ जाते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि अगर आप लोग 42 दिन से ज़्यादा पीरियड्स आने का वेट करती हैं, तो क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है? तो हाँ, प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आप लोग 42 दिन से ज़्यादा पीरियड्स का वेट करते हैं, तो फीमेल बॉडी में जो अंडेदानी होती है, जो ओवरी होती है, उसके अंदर सिस्ट होने का, मतलब रसौली होने का खतरा इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि पानी वाली रसौली, जिसे हम लोग सिंपल ओवरियन सिस्ट या फोलिकुलर सिस्ट बोलते हैं। और कुछ केसेस में जब फीमेल इन पिल्स का बारी बारी यूज़ करते हैं, मतलब ये जो गोली है ये 6 महीने में एक बार लेनी होती है, लेकिन अगर आप लोग 6 महीने में इसका बारी बारी यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ रेयर कंडीशन में आपको PCOD, PCOS जैसी सिचुएशन हो सकती है, जिसका ट्रीटमेंट भी चलता है 3 से 6 महीनों तक, ठीक है। तो यहाँ पर बॉटम लाइन ये है कि इस पिल को लेने के बाद आपको विड्रॉल ब्लीडिंग होती है, और विड्रॉल ब्लीडिंग के लगभग 4 वीक के आसपास आपको नेक्स्ट पीरियड्स आते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।